सवाई माधोपुर में सालों से बंद पड़ी सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिकों ने मजदूरी तथा आवासीय कॉलोनी के मकानों पर मालिकाना हक को लेकर अपना आक्रोश प्रकट किया है। आंदोलन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी कूद पड़े। राज्यसभा सांसद मीणा के नेतृत्व में सीमेंट फैक्ट्री से सैकड़ों की तादाद में मजदूर जोरदार नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में बजरिया के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहाँ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। में है कि सीमेंट फैक्ट्री का संचालन 1948 में हुआ था, जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इसमें करीबन 3500 मजदूर थे इन्वॉल्व। उनका 12 करोड़ का भुगतान है, जो हमने 3 करोड़ मांगा था फैक्ट्री चलाने के लिए, वो भुगतान नहीं दिया गया। और मैं बैदे में जब मंत्री बना था, लेबर मिनिस्टर, तो मैं उनको 1154 जो क्वार्टर्स थे जिनमें रह रहे हैं, उनको मैंने आवंटित कर दिया था। अब शेठ जी उनको खाली कराने पर आमादा है, तो एक तो वो खाली नहीं होने चाहिए, सरकार इनको पट्टा दे, और इनका बकाया भुगतान कोर्टों में लिटिगेशंस में लटका रखा है, भुगतान भी नहीं दिया जा रहा, फैक्ट्री को चालू भी नहीं किया जा रहा। जिन शर्तों पर फैक्ट्री दी थी, उन शर्तों की पालना शेठ जी ने की नहीं, इसलिए GDCL से फैक्ट्री को वापस लेके किसी अच्छे प्रमोटर को दिया जाए, जिससे फैक्ट्री चल जाए। इसकी बदनीयत है GDCL के मालिक की, ये 40-45 करोड़ की प्रॉपर्टी को खुर्द मुर्द करना चाहते हैं। उसके खिलाफ आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है।